So this is rufredo from the Study Life. So today we are going to make the part two from the Sarojini Naidu. So now let's start. So now let's start the chapter. Sarojini Naidu was born on thirteen February eighteen seventy nine in Hyderabad. तो अगरनाथ चैटोपाध्याय एंड वरा बराधा सुंदरी देवी जो सरोजनी नायडी थी वो थर्टीन फरवरी एटीन सेवेंटी नाइन को वो पैदा हुई थी कहाँ पैदा हुई थी वो हैदराबाद में पैदा हुई थी और वो किसको पैदाई पैदा हुई थी वो अगरनाथ को पैदा हुई थी अगरनाथ चैटोपाध्याय उसके फादर का नेम था और वराधा सुंदरी देवी को पैदा हुई थी बराधा सुंदरी देवी उसकी मम्मी का नाम था हर फादर अ लिंग्विस्ट साइंटिस्ट एंड फिलोजफ फाइंड एट द निज़ाम कॉलेज इन हैदराबाद जो उस उसके जो पापा थे वो एक लिंग्विस्ट थे लिंग्विस्ट मीन जिसको बहुत सारे लैंग्वेजेस आती है scientist एक साइंटिस्ट थे साइंटिस्ट मीन एक वैज्ञानिक थे और वो एक फिलोसोफर थे और उन्होंने निज़ाम को उन्होंने हैदराबाद में निज़ाम कॉलेज की स्थापना की थी हर मदर वॉज अ पोइट उसकी जो मम्मी थी वो एक पोइट थी पोइट मीन जो कवियाँ जो कविता लिखते हैं सरोजिनी स्टडीड एट किंग कॉलेज लंडन एंड लेटर एट गिरदन कॉलेज इन कैम्ब्रिज जो सरोजनी थी सरोजी नायडू जो थी उन्होंने किंग कॉलेज में पढ़ाई की थी कहाँ पढ़ाई की थी किंग कॉलेज लंडन में पढ़ाई की पढ़ाई की थी और बाद में वो गिरदन कॉलेज में पढ़ाई की थी गिरदन कॉलेज कहाँ है वो कैम्ब्रिज में है और वो किस और उन्होंने किससे शादी की थी उन्होंने गोविंद राजा चुलू नायडू से उन्होंने शादी की थी सरोजि नायडू ने सरोजनी नायडू वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमनेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड वर्क वेरी क्लोजली विद गांधी जी डूरिंग इंडिया फ्रीडम शक्ल मुझे सरोजनी नायडू थी वो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थी कांग्रेस में और वो उन्होंने गांधी जी के साथ भी काम किया था इंडिया की आज़ादी में इंडिया की आज़ादी के जंग में शी वॉज डेटर माइंड टू ग्रिंक अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनाइट एंड हैं राइट टू यूनाइट दाई आई एन सी एंड मुस्लिम लेग यू मीन्स उन्होंने हिंदी और मुस्लिम को हिंदी और मुस्लिम को जोड़ने का आ, उन्होंने सोचा था और उन्होंने आईएनसी और मीन्स इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लैंगी है उन दोनों को सोचने उन दोनों को कोशिश करी थी जोड़ने की शी अरेस्टेड इन नाइनटीन थर्टी एंड एन नाइनटीन फोर्टी टू वो कब वो कबर हुई थी वो नाइनटीन थर्टी में हुई थी वो जेल में गई थी और नाइनटीन टू में

कहती थी सम ऑफ हर इम्पॉर्टेंट वर्क आर द गोल्डन थ्री सोल्ड द बर्ड ऑफ टाइम द ब्रोकन विंग द फादर ऑफ़ डॉन द फीस ऑफ द एंड द मैजिक ट्री और कुछ कुछ उसके इम्पोर्टेंट वर्क कुछ कुछ उसने इंपॉर्टेंट काम किया वो है द गोल्डन थ्री सोल्ड द वर्ड ऑफ टाइम द ब्रोकन विंग द फादर ऑफ़ डॉन द ऑफ एंड द मैजिक ट्री उनके इंपॉर्टेंट वर्क थे फैक्टास्टिक सरोजनी नायडू बर्थडे डे थर्टीन फेबरी सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज नेशनल वुमेन्स डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑन एट मार्च मीन सरोजनी नायडू का बर्थडे डे थर्टीन फेबरी को था तो फिर नेशनल वुमेन्स डे थर्टीन फेबरी को मनाया जाता है और इंटरनेशनल वुमेन डे इस मार्च को मनाया जाता है नाम सुभाष चंद्र बोस Subhash boss was born on 23 January 1897 to an infant Mangali family in Kota Kodi Sajo. Subhash the uh, they were th 23 January 1948 '97 को वो पैदा हुए थे और वो इन्फ्लुएंट इन्फ्लुएंट फैमिली में हुए थे इन्फ्लुएंट फैमिली मींस बहुत रिच बंगाली फैमिली में वो पैदा हुए थे और उनकी रिच बंगाली फैमिली कहाँ थी कुटक में और कुटक कहाँ है ओडिशा में अ और जबिलियंस हु स्टडीड एट राम शाह कॉलेज स्कूल एंड ग्रेजुएटेड फ्राम को स्कोटिश कर्च स्कोटी चर्च कॉलेज कोलकाता वो बहुत एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे मींस एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जिन्होंने रावनजा स्कूल में पढ़ाई की थी और उन्होंने ग्रेजुएट का से हुए थे वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज से वो ग्रेजुएट हुए थे और स्कॉटिश चर्च कॉलेज का है कोलकाता में ही वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुन्स बाय स्वामी विवेकानंद टीचिंग्स और वो बहुत प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से बट वॉज बट वॉज ऑल्सो नॉन फॉर एस पेट्रटिकम और उन्हें देश प्रेमी भी प्रति और वो बहुत देश प्रेमी थे और ही द ब्रिटिश ही वेंट टू इंग्लैंड टू अपियर फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ओनली टू प्लीज हिज फादर लेकिन उनको कोई भी उनका इरादा नहीं था कि वो ब्रिटिश की ऐसा सेवा करते रहे वो इंग्लैंड गए और उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की उनको जॉब लगी उन्होंने एग्ज़ाम पेपर दिया क्यों उन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसके फादर के लिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के फादर के लिए उसने ऐसा किया था सुभाष ने सुभाष चंद्र बोस ने ही लेटर रिजाइन एंड ज्वाइन द लेस्ट मूवमेंट फिर बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया था मीन उसको को जॉब लगी थी फिर बाद में उन्होंने जॉब छोड़ दी थी और वो उन्होंने नेशनलाइज मूवमेंट ज्वाइन कर लिया था ऑल्सो नॉन एसताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज अ फेस फ्रीडम फाइटर जो उन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्री मीन्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग आज़ादी के बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर थे ही वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ द एन सी इन एटीन नाइनटीन थर्टी एट एंड नाइनटीन थर्टी नाइन उनको मीन्स उनको इंडिया नेशनल कांग्रेस का प्रेजिडेंट भी बनाया गया था नाइनटीन थर्टी एट में और नाइनटीन थर्टी नाइन में ही द दानशन इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंदौज टू ओवर थ्रू द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इंडियन नेशनल आर्मी का उन्होंने स्थापना की थी और इंडियन नेशनल आर्मी मीनस आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की थी इंडिया में फॉर हिज एंटी फॉर हिज एंटी एंटी ब्रिटिश रिमार्क्स एंड एक्टिविटीज बो सोजियल इलेवन टाइम्स बिटवीन नाइनटीन ट्वेंटी एंड नाइनटीन वन मीन्स उन्होंने ब्रिटिश पे ब्रिटिश के साथ ब्रिटिश के ख़िलाफ़ ये सब चीज़ें बोली थी इसलिए जो बॉश थे वो इलेवन टाइम्स ग्यारह बार वो जेल में गए थे किस ईयर के बीच में गए थे वो नाइनटीन ट्वेंटी और नाइनटीन फोर्टी वन ईयर के बीच में वो ग्यारह बार जेल गए थे ही हैड मास्टर द आर्ट ऑफ डिस्कस एंड ऑन मई ऑकेजन मैनेज स्किप्ट फ्राम द हफ़ द ब्रिटिश उनकी मीन्स उनको मीन्स अपने रि मीन्स वो दूसरों के मीन्स एकदम ऐसा लगता कि भेष बदलने उनकी बहुत वो भेष बदलने में वो बहुत माहिर थे और वो ब्रिटिश के हाथों से वो बहुत बार बच जाते थे

उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने उनको जगाया था कि वो ब्रिटिश के ब्रिटिश के खिलाफ वो जंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश ओवर ताइवान वाइल्ड टू टोक्यो इन 1945 ये माना जाता है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो एक प्लेन क्रैश में मरे हैं और कहा जो जो प्लेन क्रैश था वो ताइवान में था और कब वो प्लेन क्रैश हुआ था जब वो टोक्यो में उड़ रहे थे मीन्स वो so, जो प्लेन था वो जब टोक्यो में उड़ रहा था जब एक्सीडेंट मीन्स प्लेन क्रैश हुआ था कब हुआ था कौन सी ईयर में नाइनटीन फोर्टी फाइव में हुआ था सो हियर बॉल्स द चैप्टर सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू वॉचिंग बाय बाय